आप जो नई गवर्नमेंट वहां पर आई है, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं कि भारत के साथ कैसे रिलेशंस होंगे? क्योंकि पिछले जो थे उनके तो बहुत अच्छे थे, और लेकिन उनकी कहा यही जाता है कि अमेरिका की पॉलिसीज चेंज नहीं होती उनके प्रेसिडेंट के चेंज होने से। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमने देसी टच देखा था कि ट्रम्प जो थे वो निकलने को तैयार नहीं थे, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जैसे देशों में होता है। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि आगे रिलेशंस कैसा रहेगा, और पाकिस्तान के लिए आप क्या देखते हैं कि कौन सी चैलेंजेस आएंगी पाकिस्तान को नई गवर्नमेंट के आने से? दोस्तों, जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं, पाक मीडिया में यही मुद्दा छाया है और ये कुछ लोग मान रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। वहीं कुछ लोग ये भी ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि जो बाइडेन कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरेगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक सनकी डॉक्टर है पाकिस्तानी में, वो किस तरह से जो बाइडेन की तारीफ कर रहा था और बता रहा था कि भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन जो बाइडेन लेंगे। ऐसा लगता है जैसे जो बाइडेन के रग रग से वाकिफ है वो डॉक्टर। लेकिन अगर ये वीडियो डॉक्टर साहब देखे तो इनको जरूर देखनी चाहिए। मेजर गौरव आर्या ने किस तरह से जो बाइडेन को लेकर जो पाकिस्तान की भ्रांतियां थी, जो भ्रामक उनकी सोच थी, उसको दूर कर दिया है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि कुरेशी साहब किस तरह से तिलमिला रहे हैं जो बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान को तवज्जो ना मिलने पर। देखिए, मैं आपको अर्जुन जी एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कम से कम थोड़ी सी बहस होनी चाहिए। और पाकिस्तानियों के लमाए फिक्रिया इसलिए भी है कि हर समय सिक्योरिटी पैराडाइम से पाकिस्तान को देखा जाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और अमेरिका को क्या वो दे सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट? अब अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए, मैं आपको सच बताता हूँ। जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है आपकी, अमेरिका को एक रास्ता चाहिए, एक राहदारी चाहिए इन टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बस। अगर ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेम ना हो, राइट, तो फिर उसको क्या लेने देना है? चीन के साथ बॉर्डर तो इंडिया का भी मिलता है, इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता, ईरान से नहीं मिलता, चाइना से नहीं मिलता। देखिए, उनको ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के थ्रू वो जा नहीं सकते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, क्योंकि हमारा बॉर्डर नहीं है। ईरान के थ्रू उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं, 10 दिन की परेशानियां हैं, मसले हैं उनके साथ। अब बचा पाकिस्तान, दैट इज द ओनली थिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमें वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल बनना है तो अब हमें यह बोलना पड़ेगा कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अलावा हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। क्योंकि जब हम मफादात की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज म्यूचुअल, आप हमें क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, राइट? पे होती है, राइट? हम अमेरिका को कई चीजें ऐसी देते हैं जो अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कई चीजें हमें देता है। वो ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान के पास है जो दुनिया के पास नहीं है? तो ये जो कोल्ड वॉर वाला पैराडाइम है ना कि साहब यू नो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की आप बात करें, वो अभी भी पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, क्यों नहीं है और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात लोग कहते हैं नहीं अब रेलिवेंट नहीं है, मुझे लगता है रेलिवेंट अभी भी है और कम से कम आपके जर्नल तो समझते हैं रेलिवेंट है। दूसरी एक और चीज राजू जी, कि कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बेहतरी की ओर जाए, यानी हमारी मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की ओर जाए, कि थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आए आपके और दुनिया भर के रिलेशन। जहां तक भारत की बात है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा फर्क पड़ेगा जो बाइडेन का। देखिए, आप ये समझिए कि बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ही इज अ पॉलिटिशियन, और जो बाइडेन उसी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट था जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स करे हैं, ये आपको पता ही है। तो जो बाइडेन एंड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ये कितने भी लेफ्ट लिबरल हैं, ये कितने भी बोल रहे हैं मेरा नाम बैरक हुसैन ओबामा है और मेरे बाप मुसलमान थे, ये जितनी भी कहानियां सुनाए, जितने भी अपने आप को लेफ्ट लीनिंग सोशलिस्ट कम्युनिस्ट तो नहीं बोलूंगा, मेरा कम्युनिस्ट होना गाली है, ये जितने भी बोल रहे हैं, सच्ची बात क्या है? सच्ची बात ये है कि पूरे इस्लामी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ड्रोन स्ट्राइक्स किसी ने करवाई, ओबामा ने करवाई। पूरी की पूरी वेडिंग पार्टीज, आपको पता है ओबामा के टाइम पर पूरी वेडिंग पार्टीज 20-30 लोगों की वेडिंग पार्टी उड़ा दी गई हेलफायर मिसाइल्स फायर करके। ट्रंप ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। अब लोग कहते हैं ट्रंप दिमाग से खराब था यार, बिल्कुल थोड़ा सा यू नो ही वाज यू नो व्हाटएवर मेंटली स्टेबल नहीं था, जो भी लोग कहते हैं, कई चीजें लोग कहते हैं ट्रंप के बारे में, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा इस वक्त। मैं सिर्फ ये करूंगा कि लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि इसके स्टेटमेंट क्या है और उसके स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट को छोड़िए, स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है कि उसने ग्राउंड पे क्या काम करा है। और जितना जो बाइडन ने और बराक ओबामा ने पाकिस्तान को जितना हार्म करा है वो आप उसको गिन नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा हार्म करा है। आपके कई, मुझे नहीं पता 1000 से ऊपर गिनती क्रॉस हुई कि नहीं, पर सैकड़ों तो बोल ही सकते हैं, हमसे भी
सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों को ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, कई सौ पाकिस्तानी शहरियों को ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, जो कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम नहीं हुआ, यह इतना सामने नहीं आया। दैट इज ऑल दैट आई कैन से। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको लगता है मेजर साहब के अब जैसे अगर हम बाकी चीजों को पीछे छोड़ दें, जो हम लोग हिस्ट्री अपनी दोहराते रहते हैं हर जगह, हम डिबेट्स में भी बात करते हैं, और हम इधर से शुरू करें, और पाकिस्तान अगर ये जो आजकल बंद भी कर रहा है हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को, अगर इस चीज पे रोक लगाए किसी तरीके से स्टेट के, जी यहाँ से कोई भारत में या कश्मीर में या कहीं पे भी हूँ दाखिल ना हो, जो जो के इंडिया कहता रहता है और पाकिस्तान से कई लोग पकड़े भी गए हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे और FATF से निकल पाएगा पाकिस्तान? देखिए मैं तो एक बात बताता हूं आपको कि जो पाकिस्तानी टीवी पे अक्सर बोले जाते हैं बातें, ये पाकिस्तानी चैनल्स मैं रोज देखता हूँ, और अक्सर ये बातें बोली जाती है ना कि दुनिया मफादात करती है, आप लोग गलत बात नहीं कर रहे, आप लोग सही बात कर रहे हैं, ये सही बात है, 90% यही बात है, 10% मोरालिटी की भी कभी कभी बात हो जाती है, कभी यू नो एथिक्स की भी बात हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बिल्कुल ही चोर हैं, पूरी दुनिया चोर है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन 90% देखिए FATF का जो टोटल मामला है, राइट, FATF से अगर पाकिस्तान को निकलना है तो दुनिया चाहेगी ट्रांसपेरेंट एक्शन, राइट, ट्रांसपेरेंट एक्शन। अब आपने बोला कि साहब हमने लखवी को इतने साल जेल भेज दिया और ये आपका हाफिज सईद को इतने साल जेल भेज दिया, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोर्ट्स ने, तो इंडिया जरूर यह पूछेगा अर्जु जी कि ऐसे कौन से सबूत आज आपके पास लग गए हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं थे आपके पास, कोई भी होगा पूछेगा, इसका मतलब उनको जो जेल भेजा गया है इसलिए भेजा गया है क्योंकि FATF का प्रेशर है, और जो ग्रे लिस्ट पे आप लोग हैं उससे आपकी इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है, आप चाहे ब्लैक लिस्ट में आए ना आए, पर अगर आप ये ऐसे ही 2-4 साल ग्रे लिस्ट में रहे तो पाकिस्तान को बहुत सीरियस इकोनॉमिक डैमेज इससे होने वाला है जो मैं देखा, इसलिए अगर पाकिस्तान को निकलना है ग्रे लिस्ट से तो अर्जुन जी सबसे पहले ये काम करना होगा कि ट्रांसपेरेंटली एक्शन लेना होगा, ट्रांसपेरेंटली आपको ये बोलना पड़ेगा कि साहब हम इन सब चीजों से हाथ धो रहे हैं, जेल में डाल दिया, क्योंकि दुनिया भी इतनी मासूम नहीं है, ये सब लोग जो FATF का, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो, जो भी है 5 permanent members of the United Nations Security Council, और जो ये सब खेलाई खिलाड़ी हैं, तो और पहले ये भी कहते थे कि एक जनरल साहब ने लिखा था कि we managed to hoodwink the Americans, ये ज़ियाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट था कि nobody is getting hoodwinked, देखिए बेवकूफ कोई नहीं बनता, लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ना, मैं इतना यहाँ पे हार जाता हूँ कल मैं इतना जीत जाऊंगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, पाकिस्तान की ये आदत रही है, शायद कमजोरी रही है कि टू लुक एट एवरी मैच एज अ 2020 मैच, राइट, दुनिया टेस्ट मैच खेलती है, दुनिया 2020 नहीं खेलती आरजू जी, तो दुनिया कहती है सब लॉन्ग टर्म खेलना है, अगर पाकिस्तान को आज लग रहा है कि वो जीत गया है तो उसको ये फील करने दो कि वो जीत गया है, हम कल 10 गुनी ज्यादा और ले लेंगे, और लोगों ने लिया भी है पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा, और आपके जो हुक्मरान है उनसे तो नहीं लेकिन आवाम को जरूर बहुत चोट पहुंची है, पाकिस्तान का जो आवाम है हुक्मरानों की नाहेली की वजह से आवाम को बहुत नुकसान भी हुआ है, ये भी बात सच है। आप ब्रॉडशीट की बात कर रहे थे, आपकी एक वीडियो भी मैंने देखी थी, आप कह रहे थे कि किसी और को पैसे देकर आ गए ये पाकिस्तानी, तो वो हमें बताइए ना कि वो क्या था? था कुछ भी नहीं, जनरल अमजद को भेजा परवेज मुशर्रफ ने कि यार इनके असासर को पता लगाओ ये कहां है, ये हुआ कुछ भी नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिंपल सी बात यह है कि एहतसाब का भूत चढ़ता है पाकिस्तान में, सबको बीच बीच में सबको बुखार चढ़ता है एहतसाब एहतसाब का, तो इन्होंने बोला कि यार जरदारी वरदारी के बारे में पता लगाओ, नवाज शरीफ को अंदर करने का पता लगाओ, तो इन्होंने बोला बाहर क्योंकि इनके एहसास से बाहर है तो बाहर वाले ही पता लगाएगा, तो इन्होंने एक कंपनी ओवरनाइट क्रिएट कर दी ब्रॉडशीट लंडन में, और लंडन में वो मुसावी था इरानियन जिसका पार्टनर था, एक दूसरा बंदा था, तो इन लोगों ने क्या करा कि ब्रॉडशीट ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करा तो पता लगा कि जो ट्रेल थी पैसे की उसमें नवाज शरीफ और जरदारी वो तो नहीं फंसे, काफी और लोगों के नाम आने लगे जो पाकिस्तानी फौज से जिनका ताल्लुक था, सीनियर जनरल्स, तो वहां पे मुशर्रफ जो थे वो जनरल मुशर्रफ वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए, उसका कारण ये था कि ये जो जरदारी भी हैं या नवाज शरीफ है, मैं ये नहीं कह रहा ये बड़े ईमानदार लोग हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल करप्ट हैं, लेकिन ये खेले खाए खिलाड़ी हैं, आरजू जी आपको ये समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कि उन्होंने चोरी करी और यू नो वहां पे अपना आइडेंटिटी कार्ड सड़क पे फेंक दिया, ये ऐसे लोग नहीं है, ये खेल खाए लोग हैं,
ये ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करते। अब ब्रॉडशीट ने पकड़ा तो वो जो रास्ता था, ट्रेल था पूरा, वो कहीं और ले गया, तो वहां से डिस्कवर हुआ कि ब्रॉडशीट करके आया। और आज ब्रॉडशीट जो केस करा है ना, ब्रॉडशीट ने जो केस करा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, और बोला है कि ये अटैच कर दो और ये अटैच कर दो उसके लिए, यू नो ऑल दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग। तो ये बात है कि ओवरऑल इससे क्या होता है कि अब किसी ने तैयारा भेज दिया, वो प्लेन भेज दिया, आपने सुना होगा, वो जर्मनी ले गया पता नहीं कितने में प्लेन भेज दिया। ऐसा ऐसा कौन सी एयरलाइन में होता है कि एयरलाइन का चेयरमैन खुद के एयरलाइन का जहाज भेज देता है? एक एम्बेसी का भी आपके केस आया था बाहर, पता नहीं कोई यूरोपियन मुल्क का, जिसने अपनी एक एम्बेसी की बिल्डिंग भेज दी। बिल्कुल आया था। ये तो आप जी, हम बचपन में थे तो हम नटवर लाल की कहानियां सुनते थे कि उसने ताजमहल किसी को भेज दिया। हाँ, हमें भी पता था ये फिल्मी कहानियां हैं और ये, पर सुनने में अच्छा लगता मेरे को, इतना शातिर है दिमाग का, किसी ने कुतुब मीनार भेज दी, किसी ने ताजमहल भेज दी, ये सब स्टोरी सुनते थे। पाकिस्तान में सच्ची बातें निकल रही हैं। कौन से ऐसे मुल्क का एम्बेसडर जो खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग भेज दे, मतलब दिस इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एहतसाब है, इमरान खान को अपनी काबीना से शुरू करना चाहिए, अपने लोगों से शुरू करना चाहिए कि सब, इससे क्या होता है, मुल्क की जो इमेज है आरजू जी, दिस टेक्स अ हैमरिंग, इट टेक्स अ वेरी बैड हैमरिंग, एंड इट्स बैड फॉर द मोरल ऑफ द कंट्री ऑल्सो। कंट्री के मोरल के लिए जब लोग आपसे ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो बुरा लगता है। बिल्कुल। लेकिन मेजर साहब, अगर हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान और भारत की, तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये जो लैंड डिस्प्यूट चल रहा होता है और उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, जिन्होंने हमारी इतनी जमीन घेर ली, इन्होंने हमारा ये कर लिया, उससे हटकर आपको लगता है कि अब ये हम वाटर डिस्प्यूट के ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर अगर भारत की जमीन चीन लेता है तो भारत के प्रधानमंत्री को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, लोगों को एक सफाई देनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। लेकिन अगर चीन की जमीन भारत लेता है तो शी जिनपिंग किसी को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर वैसे लोगों को कुछ पता नहीं चलता, सोशल मीडिया कंट्रोल्ड है, मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है, किसको कौन समझाएगा? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की आगे से भारत और चीन के बीच में ये प्रॉब्लम्स आगे मेरे हिसाब से और बढ़ेंगी। चीन कोशिश करेगा प्रेशर अप्लाई करने के लिए, वो तो कोशिश करेगा, और अमेरिका का मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। अमेरिका कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा कोने में रहे, अपने पाले में लेकर आए, ये अमेरिका कोशिश करेगा, जो बाइडेन कोशिश करेगा। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से मोहब्बत करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पाकिस्तानी अक्सर, क्योंकि जज्बाती लोग हैं पाकिस्तानी, तो सोच लेते हैं बाइडन हमारा भाई, कोई किसी का भाई नहीं है। बाइडेन की सोच वही है जो ट्रंप की सोच है, उसका काम करने का तरीका अलग है, राइट? ट्रंप ये सोचता था कि पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करो, इनसे बातचीत मत करो, कहानी खत्म, वो डायरेक्ट मार रहा। जो बाइडेन ये कहता है कि अगर थोड़े पैसे दे के अगर हम पाकिस्तानी आ, आ, सरकार जो है डीप स्टेट है उसको अगर हम खरीद सकते हैं, जैसा हमने पहले करा था, तो अभी भी हम मैनेज कर सकते हैं जी। और इसमें एक और बात हो जाएगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूप की स्ट्रेंथ अफगानिस्तान में जो बहुत कम हो गई थी ना के बराबर, वो बढ़ाई जाएगी अभी, एंड वॉर्स विल अगेन। देखिए, मुझे तो यही आज तक समझ में आया कि ट्रम्प से इतनी नफरत क्यों करते हैं पाकिस्तानी। बहुत खुशियां मनाई गई हैं, बहुत खुश हुए हैं, बहुत बहुत खुशियां मनाई गई हैं। देखिए देखिए, बात पता क्या है, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। अगर आप देखिए ना ट्रैक रिकॉर्ड, लोग जो बयानबाजी पे लोग चले जाते हैं कि उसने बयान दे दिया, वाह वाह वाह, वो हमारा बड़ा मुसलमानों के लिए बड़ा उसके दिल में जगह, किसी को किसी के लिए दिल में जगह नहीं है, राइट? बाइडेन क्या करेगा? बाइडेन वही करेगा जो लगभग विद अ लिटिल बिट ऑफ अमेंडमेंट्स हियर एंड देयर, क्योंकि समय भी इतना 5-7 साल बीत गए हैं। बाइडेन विल डू द सेम थिंग दैट ओबामा डिड, मोस्टली, नॉट नॉट 100%, बट 70-80-90% वही उसकी रहेगी। फिर से कल अगर कोई इशू हुआ, फिर से ड्रोन स्ट्राइक्स होंगी पाकिस्तान के अंदर, फिर से वो जो सलवा चेक पॉइंट वाला जो वाकया था ना, जिसमें कि कितने 20 से ऊपर पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे, वो फिर से वही वैसे केसेस होंगे, फिर से वेडिंग पार्टीज वाइप आउट करेंगे, फिर से वहां पे ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पाकिस्तान के लिए खराब। आप देखिए, जिन लोगों को आप लेफ्ट लिबरल समझते हैं ना, आप पाकिस्तान का पाकिस्तान की तारीख देखिए, जिनको आप समझते हैं लेफ्ट लिबरल, जिनको आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़े हमदर्द हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के गले काटे हैं। आप मेरी बात पे विश्वास न करें, भरोसा न करें, आप डिटेल निकाल लें इंटरनेट से, आपको पता लग जाएगा कि बैरक हुसैन ओबामा की प्रेसिडेंसी में कितने मासूम पाकिस्तानी
वेडिंग पार्टीज, वो शादी करने गया था, उसकी पूरी पूरी वेडिंग पार्टी वाइप आउट हो गई। हेलफायर मिसाइल, दो फायर करेंगे, प्रेडेटर ड्रोन से कहीं कम वहां पे। तो आप खुशियां जरूर मनाएं कि बाइडेन आ गया है, लेकिन जिस दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाइडेन ने साइन कर दिया, प्रेडेटर ड्रोन फिर से पाकिस्तान की फिजा के ऊपर घूमते दिखाई देंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की नई सरकार ने भले ही अब पाकिस्तान को तवज्जो ना दी है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इमरान खान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमेरिका में चाहे कोई भी सत्ता में आए, वो पाकिस्तान की अनदेखी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, नई दुनिया बन रही है, नई प्राथमिकताएं सामने आ रही, लेकिन पाकिस्तान की अनदेखी कोई भी मुल्क नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी हंसी वाली बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान की सरकारों में काफी समानताएं हैं। समानताएं किस तरह से? क्या अमेरिका भी लोन लेता है क्या? क्या अमेरिका की सरकार भी इमरान खान की तरह भीख का कटोरा लेकर घूमती रहती है क्या दूसरे मुल्कों में? सर भीख दे दो, सर भीख दे दो। गजब की बात करते हैं ये। उन्होंने सिर्फ एक यही बड़ा जोक नहीं छोड़ा, इसके अलावा भी और भी कुछ छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी राह में बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है का मतलब क्या है? क्या है पाकिस्तान? कोई एक चीज बता दो कि पाकिस्तान के पास है जो तो वो दुनिया को दे सकता है। अगर दे सकता है तो आज इतने कर्ज में डूबा नहीं होता। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।